तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम रिटर्न हो रहे हैं कोटद्वार के लिए गांव से। तो मैं जा रहा हूँ स्कूटी में, टॉर्क में, और गाड़ी में जा रहे हैं प्रकाश भाई, रिवाज, अबू भाई, रतन दा और बहुत सारे लोग जा रहे हैं गाड़ी में। और हम जा रहे हैं स्कूटी पर, तो दिखाते हैं आपको आगे का व्यू। मौसम भी थोड़ा बहुत ख़राब हो रखा है, बादल लगे हैं, थोड़ा बहुत बूंदाबांदी भी हो रही है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं कैसा रहता है मौसम और कैसा रहता है आगे का व्यू। और गांव में आजकल पूरी हरियाली हो रखी है, हरी भरी खेत। अभी टाइम हो रहा है 8:30 और हम पहुंच गए हैं दिवाली खाल। और दिवाली खाल का व्यू कुछ ऐसा है अभी। तो यहाँ पे खाने वाले हम चाय पकौड़े, चाय ले ली हमने। अभी हम कर रहे हैं प्रकाश भाई और का वेट, वो पीछे रह गए, हम आगे आ गए हैं। अभी उनका वेट चल रहा है, जब वो आएंगे तब चलेंगे एक साथ। तो फाइनली लौंडे पहुंच चुके हैं। कौन से रहे तुम? तो लौंडे पहुंच गए हैं, अब पीते हैं चाय फिर निकलते हैं आगे। तो अपने आगे छोले अंडे अब पाते हैं इनको, फिर निकलते हैं। चीयर्स। चाय भी आ गई है, छोले अंडे पाके निकलते हैं बस। तो छोले अंडे पाने के बाद हम निकलते हैं आगे को, मिलते हैं आपको अब कर्णप्रयाग में। निकलते हैं अभी, बाय बाय। अभी हम पहुंच गए हैं श्रीनगर मार्केट में। यहाँ से प्रकाश भाई और जा रहे हैं टिहरी के लिए, और मैं जा रहा हूँ कोटद्वार के लिए पीछे, ये वाला रूट। बाकी यहीं से निकल जाएंगे, इधर को, मैं इधर को। यहाँ चल रहा है सेलिब्रेशन। खिलाओ रे सोन पापड़ी, खिलाओ यार। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं पौड़ी, 4-5 किलोमीटर बच गया है। और दिखाते हैं आपको पौड़ी का व्यू नीचे से थोड़ा। शाम के बज गए हैं 4, और मेरे पीछे जो आप मार्केट देख रहे हैं ये पूरा सतपुली का मार्केट है। और मौसम भी हो गया है ख़राब, तो निकलना पड़ेगा हमें जल्दी कोटद्वार के लिए। तो दिखाते हैं आपको सतपुली मार्केट का व्यू, उसके बाद निकलते हैं कोटद्वार के लिए। कोटद्वार में मिलेंगे, क्योंकि मौसम हो रहा है ख़राब, निकलना पड़ेगा जल्दी। तो अभी देखिए आप सतपुली मार्केट का व्यू, फिर निकलते हैं हम कोटद्वार के लिए। फाइनली गाइस, हम पहुंच गए हैं रूम पे। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू। जय श्री राम, जय हिंद।